हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी कॉलेज का पेपर जो कि वाराणसी में है और यूपी कॉलेज जो है वो एक ऑटोनॉमस कॉलेज है जो कि अपने हिसाब से रन करता है ठीक है तो यूपी कॉलेज का पेपर आपके सामने है बी कॉम एंट्रेंस का टू यानी ये प्रीवियस ईयर का पेपर है और यहाँ पर लिखा हुआ भी है आप देख सकते हैं ठीक है थीके? तो ये क्वेश्चन पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं और ये सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं या आप देख रहे हैं ठीक है तो अगर आप भी यूपी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो जो है वो तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है तो हमारे साथ जो है जुड़े रहिए और साथ साथ में एम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग ठीक है तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी प्राइमरी uh, फंक्शन क्या है मनी का तो आपको पता होना चाहिए प्राइमरी फंक्शन मनी के जो होते हैं वो तीन होते हैं यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूनिट ऑफ वैल्यू और स्टोर ऑफ वैल्यू ठीक है मतलब यूनिट ऑफ अकाउंट और स्टोर ऑफ वैल्यू ठीक है तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज स्टोर ऑफ़ वैल्यू तो हमें दिख रहा है यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं दिख रहा है यानी यहाँ पे जो बेसिस ऑफ द क्रेडिट सिस्टम है अगर इसकी जगह पे यहाँ पे लिखा होता यूनिट ऑफ अकाउंट तो हम ऑल ऑफ दे अबव राइट आंसर लगा सकते लेकिन जैसा कि एक ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है और दो बोथ ए एंड सी का ऑप्शन भी आपको नहीं दिख रहा है तो आपके पास सिर्फ एक चारा बचता है कि जो सबसे प्राइमरी फंक्शंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज का उसे हम सही लगाएं तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा मीडियम ऑफ एक्सचेंज नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सेकेंड विच इकोनमिस्ट हैज सेड बैड मनी टेंट टू ड्राइव आउट गुड मनी ठीक है तो ये थे थॉमस ग्रेशम जिन्होंने ग्रेशम लॉ दी है और ग्रेशम लॉ में ही इन्होंने कहा है कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी ठीक है बैड मनी टेंस टू ड्राइव आउट गुड मनी और आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल एडवाइजर थे आ, उनके एलिजाब जो क्वीन थी फर्स्ट uh, के फाइनेंशियल एडवाइजर थे ग्रेशम और ग्रेशम लॉ इन्हीं के नाम पे बनी है बैड मनी टेंस टू ड्राइव आउट गुड मनी तो हम याद रखेंगे और या कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ग्रेशम लॉ या ग्रेशम लॉ क्या है तो ये बैड मनी है ठीक है या स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है कि ये कौन सी लॉ कही जाएगी तो ग्रेशम लॉ कही जाएगी ठीक है इसके बाद जो नेक्स्ट uh, अब आपको ये तो पता चल गया कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एस डी आर स्कीम केम इन टू ऑपरेशन इन वैसे तो नाइनटीन uh, कह सकते हैं आप नाइनटीन सिक्सटी नाइन में जो है ऑपरेशन में आया था एस डी आर जो है नाइनटीन सिक्सटी नाइन ठीक है नाइनटीन सिक्सटी नाइन ईयर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे देश में फोर्टीन बैंक जो है वो नेशनलाइज हुए थे 1969 में। तो आप ये कह सकते हो कि 1969 में आया था लेकिन 1969 का सबसे नियरेस्ट जो है वो 1970 है यानी कहीं कहीं 1970 भी कहा जाता है तो हम इसी को राइट आंसर मान के चलेंगे ठीक है इसके मतलब मतलब अगर एकदम राइट आंसर जो आपको पता है वो अगर क्वेश्चन में नहीं है मतलब ऑप्शंस में नहीं है तो जो सबसे नियरेस्ट ऑप्शन होगा हम उसे चूज करेंगे ठीक है इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है मनी मार्केट डील्स इन तो आपको पता है कि जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट कैपिटल मार्केट डील्स विद लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ और मनी मार्केट डील करता है शॉर्ट टर्म फंड्स या शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में तो इसका राइट right आंसर जो होगा वो हो जाएगा शॉर्ट टर्म फंड्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव द पेपर स्टैंडर्ड इज ऑल्सो नोन एज ठीक है द पेपर स्टैंडर्ड इज ऑल्सो नोन एज तो देखिए यहाँ पे इसमें हमें थोड़ी कंफ्यूजन है वैसे ऑफिशियल आंसर की में इसका जो ऑप्शन है का जो आंसर है वो डी दिया हुआ है मैनेज्ड स्टैंडर्ड ये गलत नहीं है लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो पेपर स्टैंडर्ड है उसको फीएट स्टैंडर्ड भी कहते हैं यानी सी और डी दोनों ही आंसर्स यहाँ पे सही होंगे ठीक है तो ये मेरे लिए कंफ्यूजिंग है और इसीलिए शायद इस पर सर्कल uh, भी किया गया है आई थिंक ठीक है तो इसमें दो आंसर सही आ रहे हैं तो हो सकता है इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया जाए या फिर सबको कॉमन मार्क्स दिए जाए कुछ भी किया गया होगा ठीक है तो फीट स्टैंडर्ड और जो मैनेज स्टैंडर्ड कहा गया तो मैनेज स्टैंडर्ड क्यों कहा जाता है क्योंकि जो पेपर स्टैंडर्ड है उसको एक मॉनेटरी अथॉरिटी जो है वो रेगुलेट करती है जैसे इन द केस ऑफ इंडिया आरबीआई रेगुलेट करती है जिससे कि स्टेबिलिटी इन प्राइस बनी रहे और मनी वैल्यू डिक्लाइन ना करे इन्फ्लेशन ना हो उसको रेगुलेट करने का काम करती है इसलिए मैनेज बाई मॉनिटरी अथॉरिटी इसलिए इसको मैनेज स्टैंडर्ड कहते हैं और फीएट स्टैंडर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो पेपर मनी होती है वो इनकन्वर्टेबल होती है गोल्ड में और हम उसको गोल्ड में इन कर, मतलब कन्वर्ट नहीं करा सकते फिर भी हमारे पास उसकी एक वैल्यू होती है और कह सकते हैं कि इसके लिए हमको कहीं गोल्ड को गिर भी नहीं रखना होता है रिजर्व के रूप में नहीं रखना होता है ठीक है इसलिए इसको फी स्टैंडर्ड भी कहते हैं इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है क्वेश्चन नंबर सिक्स विच इकोनॉमिस्ट विच इकोनॉमिस्ट है, है।, है। सेंट्रल बैंक इज द बैंक ऑफ बैंक्स तो यहाँ पे भी हमको कंफ्यूजन uh, है इसका राइट right आंसर हालांकि हॉटरी दिया हुआ है ठीक है लेकिन कीन्स ने कहा था ये और कीन्स इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है कीन्स के हिसाब से है ये सेंट्रल बैंक इज द बैंक ऑफ द बैंक हॉटरी एंड कीन्स ने एक और किसी थ्योरी में काम किया है आई थिंक आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको वो क्वेश्चन uh, मिलेगा जरूर से तो इसका आंसर वैसे बी है ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से लेकिन मेरे हिसाब से जो है वो कीन्स होना चाहिए जे एम कीन्स ने ये बात कही थी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर सेवन वो कहता है इन विच ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज इस्टेबलिश्ड तो आर एक्ट पास हुआ था नाइनटीन में उसी से जो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इवोल्यूशन हुआ था उसी से इस्टब्लिश हुआ था 1935 में ठीक है ये एक क्या है ट्रेडिटरी इंस्टीट्यूशन है क्योंकि एक्ट के थ्रू इसका जो है बर्थ हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एट है रेट ऑफ एक्सचेंज मीन्स ठीक है रेट ऑफ एक्सचेंज मींस यहाँ पे हमको तो इसका कोई भी आंसर सही नहीं लगता है uh, लिखा हुआ है द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द कंट्रीज करेंसी ठीक है द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी द प्राइस ऑफ मनी द रेट रिवेलिंग इन द एक्सचेंज बैंक अ यूनिक रेट तो वैसे तो ऑप्शन इसका ए है जो कि कुछ हद तक ठीक लग रहा है द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज करेंसी बट द राइट आंसर इज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ अ करेंसी इन कंपैरिजन टू एन अदर करेंसी मतलब कि हम जिस वैल्यू पे एक करेंसी को दूसरी करेंसी से एक्सचेंज करते हैं दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ एक्सचेंज द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी इज नॉट द करेक्ट आंसर ऑल्दो इट इज गिवेन इन द ऑफिशियल आंसर की यू हैव टू रियलाइज और यू हैव टू ऑन दिस ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर नाइन इन विच ईयर फोर्टीन यहाँ फोर्टीन लिखा है ठीक है फोर्टीन होगा ठीक है फोर्टीन ये जो टी एच है ये यहाँ पे नहीं रहना चाहिए वहां पे देखिए चौदह व्यापारिक बैंक को लिखा हुआ है फोर्टीन कॉमर्शियल बैंक व नेशनलाइज जैसा कि हमने एस डी आर के केस में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि 1969 जो तो ईयर है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज द 14 कॉमर्शियल बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1969 एंड 1980 जो यहां पे दिया हुआ है 1980 ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1980 में अगले छह बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था यानी 14 बैंक 1969 में हुए थे उसके बाद छह और बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था जो 1980 में हुआ था ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन हाई पावर करेंसी इज इंक्लूडेड ठीक है हाई पावर करेंसी यानी जो भी आरबीआई की टोटल लाइबिलिटी होती है हमारी जो हाईएस्ट मॉनेटरी अथॉरिटी होती है सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी उसकी जो भी लाइबिलिटीज होती हैं दैट इज कॉल्ड हाई पावर करेंसी तो वो करेंसी जो कि पब्लिक के पास है जो कि कैश रिजर्व बैंक के पास है और अदर डिपॉजिट्स जो भी रिजर्व बैंक के पास है वो सारी ही जो है लाइबिलिटी है रिजर्व बैंक की इसलिए ऑल ऑफ दबव विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर टेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर इलेवन डिमांड इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन डज नॉट अराइज ड्यू टू डिमांड इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन यानी जब डिमांड बढ़ेगी किसी चीज़ की तभी इन्फ्लेशन बढ़ता है दैट इज़ अराइज ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी तो जाहिर सी बात है कि सप्लाई जब मनी की बढ़ जाएगी तो लोगों के पास में पैसा ज़्यादा होगा पैसा ज़्यादा होगा तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे इस तो वजह से डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा इंक्रीज इन पॉपुलेशन पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे इंक्रीज इन फिक्स प्राइसेस फिक्स प्राइस जिनके भी थे उसका प्राइस बढ़ जाएगा और मोर टैक्सेशन ज़्यादा टैक्सेशन होगा तो लोगों के पास पैसा कम होगा तो डिमांड कम करेंगे तब इन्फ्लेशन नहीं होगा तो बी विल बी द राइट आंसर लेकिन फिर भी ये हमको थोड़ा सा एम्बिगुअस क्वेश्चन लग रहा है जिसके आंसर जो है वो क्लियर नहीं है लेकिन हमें ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है वो बी सही है इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ड्यू टू डी मोनिटाइजेशन ठीक है ड्यू टू डी मोनिटाइजेशन क्या होता है मतलब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो सही नहीं है डीमॉनिटाइजेशन के वजह से क्या होता है मतलब क्यों किया जाता है ये पूछना चाहिए था यहाँ पे तो पहला है ए है डिक्रीज इन इन्फ्लेशन द टोटल डिमांड विल डिक्रीज ब्लैक मनी विल बी कंट्रोल्ड ऑल ऑफ द दबव तो इसका जो राइट right आंसर होगा जो मतलब जिस लिए डीमॉनिटाइजेशन किया जाता है दैट इज़ ब्लैक मनी विल बी कंट्रोल्ड क्योंकि इसका जो सोल uh, पर्पज होता है वो यही होता है ब्लैक मनी को कंट्रोल करने का ठीक है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर हु सेट्स द प्राइस इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन तो आपको पता है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो फॉर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं नॉट द प्राइस मेकर और प्राइस टेकर क्यों होती बिकॉज द प्राइसेस जो होते हैं वो डिसाइड होते हैं डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से तो इसलिए जब भी हम कहेंगे कि कौन होता है जो प्राइस करता है सेट वो होती है इंडस्ट्री यानी इंडस्ट्री में डिमांड और सप्लाई के जो फोर्सेस होते हैं उसी की हेल्प से प्राइस डिसाइड होता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन तो कैपिटल फॉर्मेशन किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो प्रोसेस किस पे डिपेंड करता है एक्सपेंसेस पे नहीं करता है नेशनल इनकम पे नहीं करता है फॉरेन डेट पे नहीं करता कैपिटल फॉर्मेशन इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ सेविंग ठीक है सेविंग्स यानी yani हम सेव करेंगे देन हम इन्वेस्ट करेंगे फिर हमें और पैसा मिलेगा जिनके पास इन्वेस्ट होगा वो कहीं और उसको फर्दर इन्वेस्ट करेंगे इस तरह जो है वो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन होता है तो डिपेंड्स डिपेंड किस पे करता है सेविंग्स पे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज द करंट बैंक रेट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसा कि आपको पता है ये 2021 का पेपर है तो उस समय जो बैंक रेट बैंक रेट था वो था फोर पॉइंट सिक्स फाइव यानी थ्री फाइव परसेंट जो है पॉइंट थ्री फाइव परसेंट बढ़ चुका है बैंक रेट हमारा ठीक है तो जब भी आप एग्जाम देने चलोगे तो एक बार इस क्वेश्चन को आप कंफर्म कर लोगे गूगल बाबा के थ्रू कि हमारा प्रिवेलिंग बैंक रेट या रेपो रेट क्या है इसको देख लेना है जिस भी आ, पेपर में जिस भी इंट्रेंस में आपके करंट अफेयर्स आते हैं इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक ठीक है इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक कब बना था जैसा कि आपको पता है वर्ल्ड बैंक जो है वो 1945 में स्टैब्लिश हुआ था और इंडिया जो था इंडिया वाज़ द फाउंडर मेंबर वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक तो 1950 आ, 1945 में जब वर्ल्ड बैंक बना उस टाइम इंडिया ऑलरेडी उसका मेंबर था क्योंकि वो एक फाउंडर मेंबर था यानी 1945 में ही जो है इंडिया वर्ल्ड बैंक का मेंबर बन गया था ठीक है नेक्स्ट जो है हु सेड इट मनी इज द पाइवट इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर्स पाइवट मतलब होता है चक मतलब पहिया कह सकते हैं जिसके अराउंड जो है इकोनॉमिक साइंस घूमता रहता है मनी जाहिर सी बात है इकोनॉमिक्स मींस मनी की हम बात करते हैं तो ये मार्शल ने कहा था मार्शल का स्टेटमेंट है ये तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर द द मेन मेन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक बैंक इज का क्या है वर्ल्ड बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है लेंडिंग फॉर रीडेवलपमेंट यानी जो वर्ल्ड है उसकी जो इकोनॉमीज हैं वो रीडेवलप करें और उसी के लिए वो लेंड करता है उसी के लिए लोन प्रोवाइड करता है तो वर्ल्ड बैंक का जो सोल पर्पज है जो मेन ऑब्जेक्टिव है सोल पर्पज नहीं कहेंगे जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है लेंडिंग फॉर रीडेवलपमेंट जो ऑप्शन बी है मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट ये डब्ल्यू टी यू का मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी बनाए रखने का नेक्स्ट जो है इनहेंसिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन ये आई एम एफ का मेन uh, ऑब्जेक्टिव है तो ये साथ में बता दिया नन ऑफ अबव इज नॉट द राइट आंसर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन रीजन फॉर अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इन इंडिया आर ठीक है मतलब अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों हो जाता है यानी बी ओपी जिसको हम कहते हैं ठीक है अनफेवरेबल कहने का मतलब है कि हमारा डेफिसिट क्यों आ जाता है उसमें ठीक है बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे हम बैलेंस शीट कहते हैं हमेशा टैली करनी चाहिए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों नहीं टैली करता है दैट इज बिकॉज ऑफ राइज इन पेट्रोल प्राइसेस इंटरेस्ट ऑन फॉरेन डेट लिबरलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट्स ये सारे ही रीजंस हैं देअर फॉर द ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इन इंडिया द वॉलीटेलिटी ऑफ रूपी रिमेन्स कॉन्स्टेंट तो ये ट्रू होगा ठीक है मतलब फॉल्स है ट्रू है या दोनों ही होगा तो ये ट्रू होगा वॉलीटेलिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है बट जब से कोरोना आया है तब से जो है वो वॉलीटेलिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है तो ये फॉल्स भी हो सकता है बट अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की द राइट आंसर विल बी द ऑप्शन बी सॉरी क्वेश्चन नंबर एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट केम फोर्स ठीक है फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आपको पता है कि फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओरिजिनल एक्ट नहीं है सबसे पहले फेरा आया था फॉरन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट देन उसको अमेंड करके जो नया एक्ट लाया गया थोड़ा सा लिबरलाइज थोड़ा सा लोगों के लिए आसान करके जिसका नाम रखा गया फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आपको नाम सुन के ही लगता होगा रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट

स्मॉल स्केल वो बोला गया है तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल जो है वो लॉन्ग टर्म है आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में ही आप अपनी स्केल को बढ़ा सकते हो आप आ, सिर्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को शॉर्ट टर्म में चेंज कर सकते हो पूरी स्केल बढ़ानी यानी आपको नया प्लान नया प्रोजेक्ट लगाना है उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म चाहिए तो यही मान के चलिए कि लॉन्ग टर्म जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल जो है वो लॉन्ग टर्म है और हम लोग जब पढ़ते हैं आ, आई थिंक प्रोडक्शन फंक्शन जब पढ़ते हैं प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हमने पढ़ भी रखा है कि रिटर्न टू स्केल और रिटर्न टू अ फैक्टर रिटर्न टू फैक्टर मतलब वेरिएबल प्रोपोर्शन वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शन जो है वो एक लॉ है जिसमें इंक्रीजिंग रिटर्न डिमिनिशिंग रिटर्न और कॉन्स्टेंट रिटर्न या निगेटिव रिटर्न हम पढ़ते हैं और जो लॉन्ग टर्म वाली लॉ होती है वो हम उसको कहते हैं रिटर्न टू स्केल यानी जिसमें हम अपनी स्केल बढ़ा सकते हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल जो है वो लॉन्ग टर्म होगा तो राइट right आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ऑप्शन नंबर ट्वेंटी थ्री सॉरी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री प्रोडक्शन फंक्शन इज तो देख रहे हैं आप सारे इकोनॉमिक्स के आपको एक साथ क्वेश्चन मिल रहे हैं यानी इकोनॉमिक्स का यहाँ पे कहीं ना कहीं बेटे ज्यादा है प्रोडक्शन फंक्शन इज प्रॉफिट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्राइसेस तो आपको पता है प्रोडक्शन फंक्शन में हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्शन जो है वो किस तरह फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से अफेक्ट होता है इसमें हम लैंड लेबर कैपिटल को लेते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लेते हैं सो द राइट आंसर विल भी ऑप्शन बी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन ट्वेंटी फोर प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स मीन्स बार बार प्रोडक्शन की चीजें हमको मिल रही हैं मतलब इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का मतलब हम क्या मानते हैं एक किसी थिंग को मैनुफैक्चर करना टू एनालार्ज इट्स उसका साइज को बढ़ा कर देना टू क्रिएट यूटिलिटी इन इट नन ऑफ दिस इकोनॉमिक्स में हम किसी भी चीज की अगर यूटिलिटी को बढ़ा देते हैं उसके अंदर यूटिलिटी क्रिएट कर देते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन वेदर इट इज मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोडक्शन ऑफ द ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव डी मेरिट्स ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड आर डिफ्लेशनरी कॉस्टली एंड इन इलास्टिक प्राइज स्टेबिलिटी इमेजिनरी ठीक है ये तीनों ही जो है वो डिमेरिट्स हैं गोल्ड स्टैंडर्ड की जब आप पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा तो द राइट आंसर विल बी द ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ द दबव नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स इन विच थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन द डिमांड एंड सप्लाई बोथ ऑफ फैक्टर्स आर कंसीडर्ड मतलब कौन सी ऐसी थ्योरी है डिस्ट्रीब्यूशन की जिसमें डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही फोर्सेस को हम कंसीडर करते हैं दैट इज द मॉडर्न थ्योरी ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विच इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेजन थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आई थिंक या डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम कहते हैं ठीक है और यानी मॉडर्न थ्यूरी का नाम हो जाएगा राइट आंसर विल बी द सी ठीक है विल बी सी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन मार्जिनल यूटिलिटी एट द पॉइंट ऑफ सेटाइटी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो होता है मार्जिनल uh, यूटिलिटी उस टाइम पे जीरो होती है आपको भी पता है क्योंकि वहां पे जो टोटल यूटिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है और जैसे ही टोटल यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइन करना शुरू करती है वैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो निगेटिव हो जाती है ओके okay? तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट एवरेज यूटिलिटी इक्वल्स एवरेज यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है चलिए एक मिनट एवरेज यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है एय इज इक्वल टू अपॉन क्वांटिटी ऑफ टोटल यूटिलिटी uh, uh, तो आपको भी पता है कोई भी चीज का एवरेज हम निकालते हैं तो टोटल जो है वो टोटल नंबर ऑफ क्वान्टिटी या कॉमोडिटी से डिवाइड होता है दैट इज कॉल्ड एवरेज यूटिलिटी इसमें कोई कंफ्यूजन था ही नहीं क्वेश्चन नंबर क्या है? तो और so, में क्या रिलेशनशिप होता है आपको पता है कि supply curve ऐसे बनता है ठीक है और ये है क्वांटिटी ये है प्राइस तो so, जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती है प्राइस भी बढ़ता है यानी देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड क्वांटिटी मतलब सप्लाई एंड प्राइस ठीक है तो डायरेक्ट रिलेशनशिप जो हो जाएगा यहाँ पे राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्टी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ अ डिमांड कर्व जैसे कि आ, ये रहा डिमांड कर्व और यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दैट इज वो अनइक्वल होता है यानी कहीं यूनिटरी इलास्टिक होगा कहीं पे हाईली इलास्टिक तो अलग अलग डिफरेंट uh, पॉइंट्स जो डिमांड करते होते हैं वहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट होती है ठीक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अनइक्वल विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन विच स्टेटमेंट इज ट्रू टी सी इज इक्वल टू ए एफ सी प्लस ए वी सी ये सही नहीं है क्योंकि ए एफ सी और ए बी सी को प्लस जब हम करते हैं तो हमें ए सी मिलता है नेक्स्ट है ए सी इज इक्वल टू ए एफ सी प्लस ए वी सी ये राइट है ए सी इज इक्वल टू ए एफ सी और टी वी सी का यहाँ कोई काम नहीं है ए सी इज इक्वल टू टी एफ सी प्लस ए वी सी ये भी राइट आंसर नहीं है सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्टी टू हू वॉज द ऑथर ऑफ द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिस्ड इन एटीन नाइनटी तो आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो बुक थी वो मार्शल ने लिखी थी और मार्शल Ma जो है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ठीक है वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने लिखी है तो तो सबको पता ही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्टी थ्री विच ऑफ दिस इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डिमांड मतलब डिमांड का एलिमेंट क्या आपको भी पता है कि देर आर फाइव एलिमेंट्स ऑफ डिमांड परचेजिंग पावर होनी चाहिए ठीक है डिजायर होनी चाहिए विलिंगनेस टू यूज द मनी और uh, और क्या परचेजिंग पावर डिजायर विलिंगनेस टू यूज द मनी और दो चीजें और होती हैं टाइम uh, और uh, एक और कोई चीज होती है रेंट इज नॉट द एलिमेंट ऑफ डिमांड ओके कहने का मतलब है कि पहले तो आ, नीड नीड होनी चाहिए नीड होने के साथ फिर आपकी इच्छा हो कि आपको वो चीज चाहिए जैसे कि मान लेते हैं कि हमको भूख लगी तो पहले नीड जो हमारी है वो है हमारी भूख ठीक है देन हमको डिजायर हुई समोसा खाने की तो समोसा इज माई डिजायर फिर ठीक है समोसा खाने का मन भी कर रहा है लेकिन अगर हमारे पास पैसा नहीं है ठीक है पैसा नहीं है तो हम जा ही नहीं सकते यानी परचेजिंग पावर भी हमारे पास होनी चाहिए ठीक है अगर हमारे पास पैसा है भी लेकिन हम कंजूस हैं हम उसको खर्च नहीं करना चाहते तो भी हम डिमांड क्रिएट नहीं कर पाएंगे उसके लिए विलिंगनेस टू यूज द मनी होनी चाहिए और ठीक है अगर हमारे पास सब कुछ है लेकिन उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमको खरीदने के लिए जाने के लिए पैसा भी खर्च करना सब कुछ होना चाहिए तो टाइम भी यहाँ पे फैक्टर हो जाता है यही एलिमेंट्स होते हैं डिमांड के ठीक है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर गिफिन गुड्स आर आल्सो कॉल्ड एस हमको पता है गिफ़न गुड्स हम उनको कहते हैं जो कि डिमांड ऑफ जो सॉरी लॉ ऑफ डिमांड के अपोजिट काम करते हैं यानी जैसे जैसे उनका प्राइस जो है वो बढ़ेगा उसकी डिमांड कम होती जाएगी ठीक है या हम कह सकते हैं कि उनका प्राइस जितना कम होता है उसकी डिमांड उतनी ही घटती है कह सकते हैं ठीक है तो आर ऑल्सो कॉल्ड इन्फीरियर गुड्स के नाम से हम इसको जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नंबर हु प्रोपाउंडर ऑफ कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी तो कार्डिनल अप्रोच जो था वो मार्शल ने दिया है मार्शल जो है वो प्रोपाउंडर है कार्डिनल अप्रोच के और जो हमारा ऑर्डिनल अप्रोच है वो हिक्स ने दिया है हिक्स एंड समथिंग कोई और इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिस्ट का नाम है सबसे पहले जो अप्रोच ऑर्डिनल अप्रोच दिया था वो ऑर्डिनल अप्रोच दिया था परेडो ने ठीक है उसके बाद जो है वो हिक्स ने उसको फर्दर डेवलप किया लेकिन जो पॉपुलर नेम है ऑर्डिनल अप्रोच के लिए वो हिक्स ही और कार्डिनल का आपको मार्शल पता होना चाहिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी नॉर्मली मोस्ट इन इलास्टिक डिमांड ठीक है मतलब सबसे ज्यादा इन इलास्टिक डिमांड किसकी होगी तो आपको बहुत ही आसान है पता लगाना सॉल्ट की ठीक है सॉल्ट ऐसी चीज है जिसके बिना काम भी नहीं चलता और जिसका हम बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते मतलब कि कह सकते हो कि बहुत सारे यूजेज नहीं है जैसे दूध का बहुत यूज है हम पनीर आइसक्रीम वेरियस चीजें हम उससे बना सकते हैं लेकिन सॉल्ट हम जितना स्वाद अनुसार जिसको हम कहते हैं उतना ही डालेंगे इसलिए सॉल्ट की जो इलास्टिसिटी है मतलब वो कम होती है सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक डिमांड होती है क्योंकि सॉल्ट कितना भी सस्ता हो जाए कितना भी सस्ता हो जाए हम ज़्यादा नहीं खरीदेंगे और चाहे कितना भी महंगा हो जाए एक लाख रुपए का भी मिलेगा तो भी आप अपने खाने में सॉल्ट डालोगे और उसको खरीदोगे ही ठीक है इसलिए आ, वो उसकी डिमांड जो है वो इनिलास्टिक होती है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है थर्टी सेवन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम वेन मार्जिनल यूटिलिटी इज तो वही क्वेश्चन uh, फिर से पूछा गया है ठीक है बस लैंग्वेज uh, थोड़ी दूसरी है जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है उस टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है उस समय मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो जीरो होती है ठीक है तो बी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर इज करेक्ट इन द फॉलोइंग मतलब इसमें से क्या करेक्ट है रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग्स प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इकोनॉमिक रेंट इज अ पार्ट ऑफ ग्रॉस रेंट रेंट कैन बी निगेटिव तो देखिए रेंट कभी भी निगेटिव तो हो ही नहीं सकता है और रेंट मतलब एक्चुअल अर्निंग प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये भी नहीं होगा क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम उसमें कंसिडर नहीं करते सो द राइट आंसर विल बी राइट आंसर विलोनॉमिक रेंट इज अट्रॉस अकॉर्डिंग टू रॉबिस इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस ठीक है अकॉर्डिंग टू रॉबिस इकोनॉमिक क्यों कहता है क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है और ह्यूमन बिहेवियर क्या करता है वो अपने सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने के लिए अल्टरनेटिव यूजेस ढूंढता है किसी भी कमोडिटी के ठीक है और अपने मैक्सिमम अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव करना चाहता है इसलिए पॉजिटिव बात कही है उन्होंने कि इकोनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव साइंस है नेक्स्ट जो है वो है हु हैज स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट डेडलॉक इन इंटरेस्ट थ्योरी जब भी हम इंटरेस्ट की बात करते हैं इंटरेस्ट का कहीं भी नाम देखेंगे तो हम हमेशा कीन्स को लेके चलेंगे क्योंकि इंटरेस्ट की बात इकोनॉमिक्स में कीन्स ने ही कर रखी है ठीक है इसके बाद चल और ये इंटरेस्ट थ्योरी जो है वो कीन्स और हिक्स ने आई थिंक मिलके बनाई है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन आयरन लॉ ऑफ वेजेस इज कॉल्ड द

द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री कंज्यूमर ऑप्टेन्स द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इन ही इन विच ही एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेने के लिए वो चाहता है कि वो दो गुड्स को इस तरह कंज्यूम करे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ठीक है जैसे कि ब्रेड बटर पेन और इंक इस तरीके से ठीक है नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर डैश इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रुप इक्विलिब्रियम ठीक है ग्रुप इक्विलिब्रियम्स को कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन को कहते हैं वहां पे जो फॉर्म्स uh, होती हैं वो ग्रुप इक्विलिब्रियम में आती हैं यानी जैसे ही uh, बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना शुरू होता है फिर से सब uh, <coughs> लॉस फिर से फॉर्म्स एग्जिट कर जाती हैं देन फिर से इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आती है कहते हैं ग्रुप इक्विलिब्रियम ठीक है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव विच आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी होती हैं मतलब तभी आप प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो आ, कोई भी फॉर्म के लिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना कब पॉसिबल हो पाता है डिफरेंस इन डिमांड इलास्टिसिटी यानी अलग अलग डिमांड इलास्टिसिटी होनी चाहिए जिसके लिए भी हम प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं नेक्स्ट है लीगल सैंक्शन होना चाहिए और सी जो है वो इग्नोरेंस ऑफ बायर्स यानी ये तीनों ही जो है वो सही मतलब बा, बायर्स को जो है वो मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ना हो ठीक है जैसे लीगल सेंक्शन कह सकते हैं इससे रेलवे है रेलवे हर तरीके की टिकट देता है फर्स्ट क्लास की टिकट आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप सेकंड एसी से जाओगे सेकंड की नहीं कर सकते तो थर्ड से जाओगे थर्ड की नहीं कर सकते तो स्लीपर से जाओगे स्लीपर की भी नहीं कर सकते तो जनरल से जाओगे और जनरल की भी नहीं कर सकते तो बिना टिकट जाओगे ठीक है तो कैसे भी तो रेलवे जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है दैट इज लीगल सेंक्शन दैट इज वाई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल इन रेलवे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स दैट इज विच इज द इनकरेक्ट एट्रीब्यूट ऑफ कैपिटल ठीक है तो मैनमेड होती है कैपिटल ठीक है क्योंकि मैन ही एक्वायर uh, करके लाता है पैसिव होती है इनकम अर्निंग होती है कैपिटल पे हमको इनकम मिलती है बट द इमोबिलिटी ऑफ कैपिटल इज नॉट द राइट आंसर बिकॉज कैपिटल जो है वो मोबाइल होती है हम कैपिटल को एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं इजिली तो दैट्स वाई मोबाइल जो िटी है दैट इज द इनकरेक्ट करेक्ट एक्ट्रीब्यूट ऑफ कैपिटल द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्टी अकॉर्डिंग टू मार्शल व्यू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाइज टू मतलब मार्शल ने जो मेनली uh, वैसे डिमिनिशिंग रिटर्न इंडस्ट्री पे भी अप्लाई होता है लेकिन जब इन्होंने ये लॉ uh, लॉब्लिश uh, की थी प्रोपाउंड की थी तब उन्होंने एग्रीकल्चर पे अपना प्रैक्टिकल किया था एक्सपेरिमेंट किया था सो अकॉर्डिंग टू मार्शल व्यू जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग रिटर्न है यूटिलिटी नहीं

का प्राइस अभी रुपए है जस्ट अभी 11 हो जाएगा देन 9 हो जाएगा हमें नहीं पता तो वेरी शॉर्ट पीरियड के प्राइस को ही मार्केट प्राइस कंसीडर करते हैं दैट इज व्हाई द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49 इन मनी कॉस्ट इकोनॉमिस्ट इंक्लूड यहाँ पे कुछ हमको गलत तरीके से लग रहा है ठीक है इन इकोनॉमिक्स सॉरी इन मनी नहीं कह सकते मतलब इकोनॉमिक कॉस्ट में मतलब क्या होता है इकोनॉमिक कॉस्ट जो है ठीक है इकोनॉमिक कॉस्ट दो चीजों से मिलकर बनती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट ठीक है तो इंक्लूड करेगी

ओनली वन यूज यूजेज विच कैन नॉट बी पोस्टपोन मिल्क की डिमांड जो, जो, तो जो है वो इलास्टिक होती है क्यों क्योंकि उसके बहुत सारे वेजेज हैं यूजेज हैं वाटर जो है उसके बहुत सारे यूजेज हैं तो उसकी डिमांड जो है वो इलास्टिक होगी ठीक है दैट इज़ वाई मेनी यूजेज विल बी द राइट आंसर दैट इज ऑप्शन बी ठीक है तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस यूपी कॉलेज के पेपर के और इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं तो अगर आप इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहते हो तो जरूर हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखेगा जो कि आपको जल्द ही मिलेगा इसके लिए इंतजार करें हमारे नेक्स्ट वीडियो का अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखें कि हाँ मैम हम देखना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी आगे के हंड्रेड क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करना चाहते हैं आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन पेपर है सॉल्व करने में इंटरेस्टिंग लगा होगा अच्छा लगा होगा बहुत कुछ नॉलेज मिली होगी आप आ, की नॉलेज जो है वो इम्प्रूव हुई होगी ठीक है तो ठीक है पढ़ते रहिए पढ़ाते रहिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ थैंक यू